नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों को अलर्ट करने के लिए शहर में आज सुबह 11 बजे एक साथ रेलवे, फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग की ओर से सायरन बजाए गए। उनसे मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस रखने की अपील की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आज सुबह 11 बजे रेलवे, पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग ने यह पहल की है। इसमें अपील की गई है कि जो व्यक्ति सायरन बजते समय जहां है वहीं खड़ा रहे तथा 2 मिनट का मौन रखे और संकल्प ले कि वह कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे। सभी ने मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का संकल्प लिया। इधर पवासा में भी सायरन बजाते ही सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार करने के लिए दुकानों के सामने गोले बनाए गए। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने दुकानों के सामने गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग रखने का प्रचार किया। वो अभी क्या है, टाइम करेगी अभी क्या है, सफाई हो जाएगी उसके बाद। नहीं, मैं बनवा दूंगा सर। नहीं, अरे बनवा दे ना, दो बना रहे हैं यार, आपको तो पहले बनाना ना चाहिए। आप लोगों का सेवा किसकी लेंगे यार? अनिल भाई यार, पीछे एकदम आगे से मत आओ। हिदायत दी है किस प्रकार का सायरन बजाने का कार्यक्रम भी था। देखिए, जो वर्तमान में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, लोग बीमारी जो एक जो प्रकोप है उससे सुरक्षित रहें, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आज ये 11 बजे सायरन बजाया। 2 मिनट तक लोगों ने उसका सम्मान किया, सभी लोग अपने स्थान पर ठहरे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैसेज था वो जनता तक पहुँचा है, इसका तात्पर्य है, और हम लोग इसका पालन कराएंगे। इसलिए हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर हम गोले लगवा रहे हैं। साथ ही जो लोग मास्क धारण नहीं किए उनको समझाइश दे रहे हैं, वो मास्क धारण करें। बुजुर्गों से, बच्चों से अपेक्षा की जा रही है हम लोगों के द्वारा। आज पूरे मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे और शाम को भी दोबारा से जो है 2 मिनट का मौन रखते हुए, मौन रूप से, आंतरिक रूप से संकल्प लेना है। तो जो भी लोग हैं, हर शहर में सायरन बजा है, सायरन बजने के बाद लोगों ने आंतरिक रूप से संकल्प लिया है कि वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, ताकि कोरोना से लड़ाई में एक जीत हासिल की जा सके। तो आज यहाँ से हमने प्रारंभ किया है, अभी जो है संकल्प सब ने लिया है, इसके बाद घूमेंगे तो जहाँ लोगों ने मास्क नहीं लगाया होगा उनको मास्क की समझाइश दी जाएगी, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मार्केट एरिया में दुकानों के बाहर जो है उचित दूरी पर जो है गोले बनाए जाएंगे, जिससे दुकानों में, बाज़ारों में और अन्य स्थानों पर भीड़ न लग सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक इनिशिएटिव है कि आज से रोको टोको अभियान की बहुत ज़ोरदार शुरुआत करी जाए, जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना की जो दूसरी लहर है, और ये दूसरी लहर कई मायनों में पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा फैली हुई है, तो उसके लिए हमको और ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है इसके तहत आज उज्जैन में महाकाल मंदिर से इसकी शुरुआत करी गई है, जिसमें 11 बजकर सायरन बजाकर सभी ने 2 मिनट तक खड़े होकर ये संकल्प लिया है कि न केवल मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि कोरोना से संबंधित और जो गाइडलाइंस है उनका पालन सभी लोग करेंगे। अब हम सभी लोगों के द्वारा, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दूसरे निर्देश हैं कि एक मास्क वितरण का कार्य और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो गोले खींचने हैं अलग अलग दुकानों पर, वो कार्य हम सब लोग करेंगे जाके। बाकी पूरी नगर निगम की टीम, सभी पार्टियों के लोग और सारे के सारे जो कई सारे एनजीओज के लोग जो हैं वो भी इस अभियान में शामिल हैं। पूरी जनता से मेरी अपील रहेगी कि इस अभियान में अपना सहयोग दें, और ये अभियान आप लोगों के लिए ही है। जितना हम लोग जागरूकता रखेंगे, इन सब गाइडलाइंस का पालन करेंगे, उतना कोरोना से बचे रहेंगे। थैंक यू सर।